जब इंसान की किस्मत साथ होती है तो वह रातों रात अमीर बन जाता है। सब किस्मत का खेल है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाला जिसे चाहे बेशुमार दौलत दे सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है अमेरिका में खेलते खेलते एक बच्चे के साथ। जब ये बच्चा पार्क में टहल रहा था तो उसे पानी की सतह से सिर्फ कुछ इंच नीचे ही ये हीरा कंकड़ों के बीच मिला। यह दुर्लभ हीरा 7.44 कैरेट का है। आपको बता दें, ये हीरा पिछले करीबन 40 सालों से मिला अब तक का सबसे बड़ा हीरा है। अब इस हीरे की जांच चल रही है। कालेल के पिता क्रेग लंगफोर्ड के मुताबिक वो लोग पार्क में घूमने गए थे। पार्क में घूमते उन्हें कुछ ही वक्त बीते थे कि कालेल को पानी के नीचे भूरे रंग की अजीब सी चीज दिखी। पार्क में उसकी नजर एक चमकीले पत्थर पर पड़ी। उसे वह पत्थर बेहद आकर्षक लगा और उसने उसे उठा लिया। उन्होंने जब देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये हीरा है। अमेरिका से इस पार्क से 7 हीरे बरामद हो चुके हैं। कालेल के पिता ने कहा कि हमें पूरी तरह से मालूम नहीं था कि ये हीरा ही है, क्योंकि ये काफी मटमैला हो चुका है। कालेल ने इस हीरे को सुपरमैन डायमंड नाम दिया है। एनएमएन न्यूज की रिपोर्ट।